खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अयोध्या विवाद का जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है, ये विवाद 200 साल से भी पुराना है। अंग्रेज आए, चले गए, फैसला नहीं हो पाया। आजाद हिंदुस्तान में भी इस विवाद ने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे और आज कहीं जाकर इस विवाद पर सुनवाई पूरी हो पाई है। ऐसे में मास्टर स्ट्रोक में हमने आपके लिए एक बहुत खास रिपोर्ट तैयार की है। इसे आप तारीखों में अयोध्या भी कह सकते हैं। आप जब इस रिपोर्ट को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ, कहां कहां किस पड़ाव से होता हुआ आज इस मुकाम पर पहुंचा है। अयोध्या में हर घर में मंदिर है, रोम रोम में राम है, हम सबके हृदय में राम है, इसलिए अब जल्दी हम लोग राम का मंदिर देखने जाएंगे। मूर्ति को कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। मंदिर तो बनना तय है, किसी भी कीमत में मंदिर बनेगा, आएगा फसला बनेगा मंदिर। मंदिर बनना चाहिए। दो सौ साल से भी पुराने आध्यात्मिक विवाद पर फैसले की घड़ी आ चुकी है। इसलिए आज ये भी जान लेना चाहिए कि इसकी शुरुआत हुई कहां से, और ये जानने के लिए आपको 206 साल पीछे चलना होगा। सन 1813 में हिंदू संगठनों ने पहली बार दावा किया कि 1528 में मुगल शासक बाबर ने मंदिर तोड़कर विवादित जगह पर मस्जिद बनवाई। तब दोनों पक्षों में पहली बार हिंसा हुई थी। इसके 46 सालों बाद साल 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह पर तार की बाड़ बनवाई। 1885 में पहली बार महंत रघुवर दास ने ब्रिटिश अदालत से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। इस सिलसिले में कचहरियों ने 1885 के लगभग तय कर लिया था कि ये मस्जिद है और इसके पास के जिसे आउटर कोर्ट यार्ड कहते हैं राम चबूतरा है और सीता जी की रसोई है। माना जाता है कि 1934 में पहली बार विवादित ढांचे का एक हिस्सा गिराया गया था, जिसकी मरम्मत अंग्रेज सरकार ने करवा दी। 1949 में हिंदुओं ने इमारत की मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी और पूजा करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ना पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके 12 साल बाद 1961 में वो मामला लेकर कोर्ट चले गए। जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की अदालत से पहली बार रामलला की पूजा अर्चना के लिए अनुमति मांगी। तब कोर्ट ने विवादित स्थल पर तालेबंदी करवा दी और सिर्फ पुजारी को पूजा की अनुमति दी। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा अदालत पहुंच गया और जमीन पर अपना दावा पेश कर दिया। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया और यहां से आजाद भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे की बुनियाद पड़ी। राम जन्मभूमि का मुद्दा 23 सालों तक अदालतों की फाइलों में घूमता रहा, लेकिन 1984 में विश्व हिंदू परिषद इस पूरे विवाद में सक्रिय हो गई। वीएचपी की अगुवाई में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और यहां से शुरू हुआ मंदिर का राजनीतिक कर्म। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को सत्ता संभाले हुए 2 साल हो चुके थे। इस साल उन्होंने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए मुस्लिम महिला अधिनियम पारित कर दिया। इससे मुस्लिम समाज खुश था, लेकिन हिंदुओं को लग रहा था कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। ऐसे में राजीव गांधी सरकार ने उसी साल संतुलन बनाने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। उधर 1984 से राम मंदिर का झंडा उठाया बीजेपी ने। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में मंदिर के समर्थन में द्वारका से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की गई। और फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन,
जब हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचा गिरा दिया। जहां पर जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका अर्थ मैं नहीं पाता हूँ। वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। राम जन्मभूमि की लड़ाई फैजाबाद से निकलकर साल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची। तीन जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। कोर्ट के आदेश पर साल 2003 में पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल पर खुदाई शुरू की। एएसआई की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं। 1992 से पहले प्रशासन और एएसआई की निगरानी में तब देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में तब देखिए क्या चीजें पाई गई थी। ये लेटे हुए भगवान विष्णु आपको नजर आ रहे हैं। ये विष्णु पट का भाग है। आसपास आप देखिए विष्णु भगवान ऐसे लेटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये नंदी की टेराकोटा की मूर्ति है जो पाई गई है समतलीकरण में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि ये इतना बड़ा भव्य मंदिर था और वही एएसआई का आधार है। तो उसी बेसिस पे हम लोगों को कहते हैं मुसलमान को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है उतना ही एक आम हिंदू के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फरवरी 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 9 मई 2011 को सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट से भेजे गए दस्तावेजों का अनुवाद न होने से मामला टलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पेशकश की जो नाकाम रही और आखिर में 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद की नियमित सुनवाई शुरू कर दी और 40 दिन चली बहस के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।